हमने बड़ी मेहनत से एक झेलू हुकूमत को घर भेजा, अब हमें महंगाई और बेरोजगारी समेत सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। साबिक हुकूमत इनसे निपटने में नाकाम रही, हम कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के पहले इजलास से खिताब, कहा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, बिजली ना होने की वजह से दर्जनों कारखाने बंद हैं। मुश्किलात जरूर आएंगी लेकिन देखना होगा उनका हल कैसे करना है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है, जहरीले प्रोपेगेंडे का हकाई की मदद से जवाब देना होगा। 3.5 साल में जो करप्शन उरूज पर थी उसको खत्म करना है। हमारा इत्तेहाद जाति पसंद और नापसंद से बालातर होकर कौम की खिदमत करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात, गवर्नर पंजाब को हटाने के हवाले से गुफ्तगू, वफाकी काबीना के हवाले से भी मुशावरत मुलाकात, ऐवान सदर में हुई, दौरानिया 15 से 20 मिनट रहा। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म कितने तहाइफ मिले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तफसील आम करने का हुक्म, तोशाखाना से हासिल तहाइफ की तफसील बताने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि 20% रकम अदा करके तोहफा फरोख्त करना अजीब है, ये मुफादे आमा का केस है। तहाइफ सिर्फ वज़ीर आज़म से नहीं बल्कि सबसे वापस लाने चाहिए, जो चीज़ें घर ले गए वो वापस लेनी चाहिए, 20 साल पुराना मामला हो। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मोहलत की इस्तदा कर दी, कहा मुझे ताज़ा हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप हिदायत लें लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें। पेट्रोल और डीजल सस्ता करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये पैसे इमरान खान अपनी जेब से नहीं दे रहे थे, इस रिलीफ का जिक्र ना बजट में था और ना ही ECC में। एक कलम की जुम्बिश से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया, इनको पता था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है, हमें मुश्किल में डालने के लिए इन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी और आटे की कीमतों में रिलीफ पैकेज के फंड्स सूबे दे रहे हैं, ये खत इमरान खान की नाअहली का सबूत है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज का बोझ 5600 अरब रुपए है। और मुल्क चलाना इस इंपोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं, PTI रहनुमा आसद उमर का मिफ्ता इस्माइल को जवाब, कहा मिफ्ता इस्माइल की कांपे टांगना शुरू हो गई, सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर कम हो गए, ये ममनूई मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी मुआशी बहरान उतना ही शदीद होगा।